हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग शूल दशा के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं ये दशा के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ और वहां पर बहुत सारा कमेंट आया है, तो ये वीडियो वो क्लैरिफिकेशन के लिए है। ठीक है, देखिए शूल दशा की जब बात करते हैं, आप लोग सुने होंगे जो एंशियंट टाइम में अगर कोई गलती करता था या राजा लोग क्या करते थे, जो कोई गलती काम किया है या कुछ गिल्टी गिल्टी पाया गया है, तो उसको सूली दिया जाता है। ठीक है, तो वो सूली एक्चुअली पेनफुल प्रोसेस है जिसके कारण किसी का डेथ होता है, तो वो सूली ये शूल से लिया गया है। ठीक है, दूसरा चीज है, हम जो भगवान भगवान शिव जी का जो त्रिशूल बोलते हैं, ठीक है, वो त्रिशूल का ये शूल है। ठीक है, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये जो शूल दशा का आप देखोगे, जो भी प्लैनेट है या जो है वो त्रिशूल जैसा ही है। तो अगर किसी कोई एक त्रिशूल लेके आपको मारने की कोशिश करेगा, तो आप देखोगे कौन कौन सा पोर्शन में वो इंसान आपको मार पाएगा, या त्रिशूल का ये जो 3 पॉइंट है इधर मार पाएगा या इधर मार पाएगा। इधर ही विल जो त्रिशूल का सामने वाला हिस्सा है उससे मारेगा या पिछले वाला हिस्सा से मारेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो शूल दशा का सबसे जो पेनफुल पीरियड है, ये ऊपर वाला 3 है या नीचे वाला 3 है, जो डेथ के लिए देखते हैं, स्पेसिफिकली फॉर डेथ। ओके, बाकी जो प्लैनेट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो आज का वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहला है जे शूल दशा। जब हम ये जो शूल चक्र करेंगे, इसका अगर आप देखोगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सन। जैसे कि मैं आपको बताया हूं, सन प्रत्यादि देवता इज लॉर्ड शिवा। ओके, सो दैट इज द रीजन। ये जो चक्र है उसका स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है सन। ठीक है, ये सिंपल सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सन। तो आपका चार्ट का जो भी सन नक्षत्र है, वो नक्षत्र से ये शूल दशा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 नक्षत्र है, यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर हुआ है, मतलब ये 4, ये 5, ये 6, ये वाला जो नक्षत्र है 4, 5, 6, ये नेक्स्ट शूल का शूल में आएंगे, शूल का जो जो पकड़ते हैं वो हिस्से में आएंगे। उसके बाद 7, 8, 9 यहाँ, ठीक है, 7, 8, 9 ये बीज वाला नक्षत्र है। उसके बाद 10, 11, 12 यहाँ पर ये जो 11 वाला नक्षत्र है, इट इज वेरी डेंजरियस। ठीक है, देन 13, 14, 15 ये आपका सेफ जोन में, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। देन 16, 17, 18 ये 17 वाला नक्षत्र वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, देन 19, 20, 21 सेफ है। देन 22, 23, 24 ठीक है। देन 25, 26, 27 देन 28 फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए, जो भी नक्षत्र आपका शूल में आता है, मतलब पॉइंट पोर्शन में आता है, दे आर वेरी डेंजरियस। जो नक्षत्र उसके साइड में है वो डेथ नहीं लेंगे, बट डेथ लाइक सफरिंग दे सकते हैं। डेथ लाइक सफरिंग, लाइक समवन फॉल फ्रॉम ए बाइक एंड ही हैज इंज्योर, आप बोल सकते हो कुछ सर्जरी हुआ उसका, या बहुत सीरियसली इंज्योर हो गया, तो वहां पर आप डेफिनेटली देखोगे वो वाला नक्षत्र, ये 11th, अगर डेथ नहीं हुआ है तो दैट कैन नॉट बी द 11th नक्षत्र। इट इज एदर 10 और 12 और 16 और 18 और 22 और 24 ये वाला नक्षत्र होगा। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्से जो सन नक्षत्र है, ये डेथ लाइक सब डेथ दे देगा, बट उसका जो साइड वाला जो 6 नक्षत्र है वो दैट कैन गिव यू डेथ लाइक सब। समझ रहे हैं? तो सिंपल सा चीज है, आप देखोगे सन वाला नक्षत्र
या उससे 9 प्लेसेस आगे या 9 प्लेसेस पीछे जो नक्षत्र है वो वाला, दे कैन एक्ट लाइक दे कैन गिव यू दैट, गिव समवन दैट, ओके। एंड जो उसका एडजेसेंट नक्षत्र हुआ, मतलब आप देखोगे सन का नक्षत्र 3 है तो आप बोल सकते हैं 3, 4, 5, 6, उसके बाद आ गया नेक्स्ट ग्रुप में 10, 11, 12, 10, 11, 12, देन नेक्स्ट ग्रुप आ गया 16, 17, 18, ओके। देन नेक्स्ट ग्रुप आ गया 22, 23, 24, ठीक है। देन आ गया 28 फर्स्ट एंड सेकंड, ये चार आप देखोगे यहाँ पे चार पांच ग्रुप है, तो ये जो 3, 4, 5 और 28, 1, 2 ये बेस को लेके है, और बाकी 3 जो फ्रंट जो ट्राइडेंट का पिन पॉइंट होता है उसको लेके है। तो दीज आर दी नक्षत्र विच विल गिव यू वेरी विच विल गिव यू डेथ और डेथ लाइक सफरिंग। तो उसमें क्या है ना, 3 वाला नक्षत्र हो गया, देन 11th वाला नक्षत्र हो गया, 17th वाला नक्षत्र हो गया, 23rd वाला नक्षत्र हो गया, ये 4 नक्षत्र बहुत ही डिफिकल्ट है, इसमें आपको डेथ मिल सकता है, किसी को भी डेथ मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए अल्टीमेटली सबको मरना है, तो ये शूल दशा आपको एक्चुअली बताएगा दोज पीरियड आर वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर यू। एंड जो शूल चक्र हम बनाते हैं ये 28 नक्षत्र स्कीम का है, 28 नक्षत्र स्कीम का है, ठीक है। जो स्टार्ट होता है सन नक्षत्र से, ये आपको याद रखना है, जो स्टार्ट होता है सन नक्षत्र से, ओके। तो हम लोग डेथ वाली चीज को डिकोड नहीं करेंगे, बट यहाँ पर आपको कैसे उसको आपको प्रैक्टिकली यूटिलिटी में लाना है। मान लीजिए कोई एक मेजर सर्जरी कर रहा है और आपको पूछ रहा है मैं कौन सा डेट में सर्जरी करने वाला हूँ, तो आप यू मस्ट चूज ए नक्षत्र आउट ऑफ दिस, यू मस्ट चूज ए नक्षत्र आउट ऑफ दिस ग्रुप, इधर 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, इसमें से आपको देना है। अगेन अनदर चीज है, आप देखोगे मैं हर नक्षत्र के ग्रुप के साइड में एक प्लैनेट का नाम लिखा हूं, जैसे कि सन रूल द बेस ऑफ द शूल चक्र, बट उसका जो एडजेसेंट एक साइड राहु है, दूसरी साइड केतु है, जो स्टीप 3 है वहां पर एक साइड मार्स है, बीच में मून है, साइड में जुपिटर है। तो दीज आर दी प्लैनेट दैट आर रूलिंग दोज नक्षत्र। अगर मान लीजिए आप किसी को, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये जो चार्ट है अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है, इनको अगर सर्जरी के लिए पूछ रहे हैं, अगर मैं सेटन का दे रहा हूँ तो सेटन इज इन केंद्र भाव, इज ए लग्न लॉर्ड, इज इन केंद्र भाव, तो सेटन वाला नक्षत्र जो 7, 8, 9 है वो दे सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सन। उसी तरह आप चार्ट में वो वाला प्लैनेट को एनालिसिस कीजिए जो ग्रुप में आपका आता है, वो जो नक्षत्र वो ग्रुप में आप उसको एनालिसिस कीजिए और उसमें आपको पता चल जाएगा वेदर इट विल गिव यू गुड रिजल्ट और बैड रिजल्ट। सिंपल सा चीज है, आप अगर कोई आपको पूछ रहा है कि मैं कहीं पर ट्रैवल करना चाहता हूँ, मान लीजिए स्पेसिफिकली अगर किसी का सर्जरी होने वाला हो या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए किसी कोई एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया वो आपके पास हुआ आया है, तो आपको पूछना है कि कौन सा डेट में एक्सीडेंट हुआ है, वो नक्षत्र कौन सा है, ठीक है, एंड यहाँ पे देखना है उसका प्लेसमेंट कैसा है और वो लॉर्ड चार्ट में प्लेसमेंट कैसा है, तो आपको ओवरऑल पिक्चर आ जाएगा कि एक्चुअली कौन सा नक्षत्र की वजह से, कौन सा प्लैनेट की वजह से ये नेटिव का प्रॉब्लम आया है, एंड अकॉर्डिंगली रिमेडियल मेजर्स कैन बी प्रेस्क्राइब। सो फ्रेंड शूल चक्र इज नथिंग बट टू नो द डिफिकल्ट फेजेस इन आवर लाइफ, टू नो अगर कुछ चीज करना है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू आवर हेल्थ तो कौन सा नक्षत्र को हमको चूज करना है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो डाला हूँ, उसको देख लीजिए, अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब क्या होगा, मैं बहुत सारा ऐसे ऐसे नया कॉन्सेप्ट का वीडियो ला रहा हूँ और लाने वाला हूँ,
एंड यू विल एंजॉय दोस वीडियो। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।